गोप्रो को अपना यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि रात में इसकी अलग सेटिंग करनी पड़ती है। मगर चलो मेरे को टायर भी पता करना है, एक बार टायर का भी पता कर लेते जब यहाँ से निकल ही रहे हैं तो। सर जी आ गया क्या मेरा टायर? अभी तो गाड़ी में नहीं आई थी। अरे मैं यही सोच रहा था, मतलब कि पता नहीं आया कि नहीं आया। तो गाइस मुझे एक यहाँ पे भी टायर की दुकान दिखी है, यहाँ पे पता करते हैं यहाँ पे क्या प्राइस पड़ेगा मैं टायर। इसमें आपके पास कौन कौन से ब्रांड में है? सीएट और अपोलो डल्लब। डल्लब डल्लब दिखाना एक मिनट। डल्लब क्या किस उसमें थ्रेड में? डल्लब बहुत बढ़िया टायर है। डल्लब भी बढ़िया है। यहाँ पे भी अपोलो टायर है, यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सलेंट राइडर। और अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मुझे जाना है अभी पापा के पास। बाइक भी बहुत गंदी हो रही है, कल मैंने चैन ली हूँ, क्लीन तो कर ली थी, और ये चीटियाँ कैसे हो गई मेरी गाड़ी पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। किसने खाया गुड़ इस पे रख के? कपड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि लाल चीटियाँ हैं, अगर ये काटने लगी ना। और ये पूरी गाड़ी में वही पड़ी है यार, ऐसा क्या आ गया मेरी गाड़ी में जो लाल चीटियाँ हो गई इतनी? हट तेरी लाल चीटियों का यहाँ क्या काम भाई मेरी बाइक पे। बारिश तेज़ होने वाली है, कैमरा मेरे को फिर कवर करना पड़ेगा। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, चलो मिलते हैं अभी, कवर कर लेता हूँ नहीं तो बारिश तेज़ हो रही है धीरे धीरे करके। A few moments later. So guys, अभी टाइम हो रहा है 12:37 दोपहर के, और पहला ऑर्डर आ चुका है रैपिडो पोर्टर में। हमारे पोर्टर एप्लीकेशन बजी है, तो अभी हम जा रहे हैं पिकअप लोकेशन के लिए, देखते हैं। वैसे तो सर बता रहे हैं कि छोटा ही पार्सल है, छोटा पार्सल है, उसमें देखते हैं क्या देते हैं वो। और आज मैंने ब्लैक वाइज़र लगा लिया है अपने हेलमेट पे, तो लुक अच्छा आ रहा है ब्लैक वाइज़र का, नहीं तो वाइट वाइज़र में सब लोग देखते रहते हैं, कैमरा लगा हुआ रहता है, चेहरा देखते रहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैंने आज ब्लैक वाइज़र लगा लिया अपने कैमरे में, वो कैमरा कह रहा सॉरी हेलमेट में। चलो गाइस मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, अब क्या करें, काम तो करना ही है। तो जा रहे हैं हम फर्स्ट अपनी पिकअप लोकेशन D73 ओखला Phase 1, यहीं कहीं है यार। D73 आई थिंक। इसके अंदर पोर्स खड़ी है यार येलो कलर की, ये है क्या D73? हाँ ये रही D73। यहाँ लगाते हैं बाइकों के पीछे हल्का सा आगे करके, यहाँ पर सही रहेगी। कोई ऑर्डर है क्या यहाँ से ले जाना है पोर्टर का? हाँ भाई साहब, भाई साहब तो रील देख रहे हैं, मस्त है। गार्ड साहब कोई ऑर्डर जाना है पोर्टर का? नंबर होगा? हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ उन्हीं को। तो गाइस हमें पहला पैकेट मिल गया है अपना, इसको हम रख लेते हैं बैग में पैक करके। और अभी हमें जाना है गुड़गांव सिटी गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स के पास में गुड़गांव में देना है ये। तो गाइस मौसम हो रहा है बेईमान, मगर हमें करना है अपने ईमानदारी से काम, इसलिए हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन की तरफ।
और मेरी पिछली वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पांस गया, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो थोड़ी रीच करती है, सभी को अच्छा लगता है। देखो, कोई भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको फल मिले, तो 1000 होने वाले हैं मेरे उस वीडियो पे व्यूज़, जो कि मैंने छपरी राइडर करके डाला था। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ इस लिंक पे प्रेस करके देख सकते हो, उस वीडियो पे अच्छी खासे व्यूज़ हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, आपको क्या अच्छा लगा ये ज़रूर बताना। और अभी हम निकल चुके हैं, अभी मैंने गाड़ी में भी टायर नहीं डलवाया, कल मैंने पूरा दिन निकाल दिया था टायर पता करने में, तो अभी भी मेरे टायर टकले टायर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने गाड़ी में। तो जब तक का वो वाले टायर, देखो BMW खड़ी हुई हैं। तो गाय जैसे ही हमारे सामने एक पहाड़ दिख रहा है, देखो कितना खूबसूरत सुंदर सा लग रहा है। भले ही साला थोड़ा बदबू मारता है ये पहाड़, मगर नज़ारे उत्तराखंड वाले ही मिल जाते हैं हमें दिल्ली में। देखो वहाँ पे JCB भी है, मगर आपको दिखेगा नहीं, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा। GoPro का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हम जूम करके आपको कुछ नहीं दिखा सकते, रोड पे जो हो रहा है वो चीज़ दिखा सकते हैं। और हाँ, मुझे अभी इसकी एडिटिंग भी देखनी है कि मतलब ये वीडियो कैसे वो कर रहा है, ज़रा देख लेते एक बार। वीडियो पीली तो नहीं आ रही, मेरे को एक बार इसकी सेटिंग सही करनी है, सेटिंग सही कर लेता हूँ। और दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, हर जगह जाम है, ट्रैफिक है, तो जो भी घूमने घामने निकलने की सोच रहे हैं तो ना ही निकले वही सही है, क्योंकि हर कोई रोड पे है। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा एडिट, अपने GoPro की सेटिंग को सही कर लेता हूँ मैं अपनी, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली अपने GoPro की सेटिंग मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, अब आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही होगी वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रही होगी, क्योंकि मैंने नाइट, कल मैं रात में आ रहा था ना, तो कुछ भी GoPro जस्टिस नहीं कर पाता है। GoPro को अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि रात में इसकी अलग सेटिंग करनी पड़ती है। वाइट बैलेंस को आपको 5000 से 5500 पे रखना पड़ता है, और ISO को 32 पे रखना पड़ता है, तब जाके रात में जस्टिस कर पाता है, वरना नहीं करता। तो यहाँ से हमें दिखा रहा है ये लेफ़्ट वाला रास्ता, मतलब जो घूम के दिखा रहा है, मगर हमें जाना चाहिए राइट में। मगर चलो, मेरे को टायर भी पता करना है, एक बार टायर का भी पता कर लेते हैं, जब यहाँ से निकल ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि टायर आए कि नहीं आए हमारे, क्योंकि भैया फ़ोन नहीं कर रहे हैं, अब क्या पता वो मंगाए ना हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो एक बार और कन्फर्म कर लेते हैं, मैं बोला भैया मेरे को नीड है टायरों की, क्योंकि है ना गाड़ी बारिश में ना फिसलते फिसलते बचती है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना कि मेरा हाथ पैर टूटे और मैं घर पर बैठूँ कई दिनों तक छुट्टी मारूँ। एक बार तो मेरे को रिक्शे वाले ने उड़ा दिया था, तो मेरी 2-3 दिन की छुट्टी लगी थी लगातार, हाथ पैरों में भी दर्द रहता था चोट लगने में। अब कि गलती किसी और की हो और भरना खुद को पड़े तो बड़ा गुस्सा आता है। तो आज तो थोड़ा लग रहा है जाम कम है रोड पे, नहीं तो यहाँ पे कल बहुत जाम था, और अभी कुछ भरोसा नहीं है, बारिश अगर वो ज़्यादा हुई तो कह नहीं सकते। और हाँ, गुड़गांव में भी बता रहे थे कि बहुत जाम, मतलब पानी वानी भर गया था हर जगह, इफ्को चौक तो पूरा नाव वाला हिसाब हो गया था कि वहाँ पर नाव चल सकती है, इतना पानी भर गया था। तो मैंने सब न्यूज़ चैनल पर देखा, किसी ने रील डाली, इंस्टाग्राम पर देखने मिला कि कहाँ कहाँ पर पानी किस हिसाब से भर गया है और लोग कितने परेशान हो रहे हैं रोड पर। तो वो सब चीज़ें भी हैं, हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब जब वाटर लेवल बढ़ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि आज है 12 तारीख है, तो उन्होंने बोला है कि वाटर लेवल है ना बढ़ने वाला है, 207 मीटर तक पहुंच जाएगा, जो कि कभी भी 35 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ा, 207 मीटर बढ़ जाएगा। तो फिर आने वाली है दिक्कत दिल्ली के वासियों को, और जो भी आसपास के जितने भी क्षेत्र में हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब नहर में पानी जब बढ़ जाएगा ना, तब ये सब जगह दिक्कत हो जाएगी, फिर किसी का आना जाना इतना आसानी तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे अभी मैं घूम रहा हूँ। तो कहीं पे भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा। मेरे पापा भी बहुत दिन से चिंता कर रहे हैं कि है ना, कि हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर नहर है पास में,
कालिंदे कुंज के पास जो रहते हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे कि वहाँ पे ना थोड़ी सी बारिश में ही क्या हाल हो जाता है। हाँ, अच्छा एक मिनट सर, मैं थोड़ी देर में कॉल कर सकते हैं आप मुझे? मैं कहीं ऐसी जगह आया हूँ कि वहाँ बात करनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा आपसे थोड़ा सा टाइम मिलके आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, है ना? ठीक है सर, हाँ हाँ आधे घंटे में कर लीजिएगा, ठीक है सर? ओके ओके, ठीक है सर। सर जी आ गए क्या मेरा टायर? अरे मैं यही सोच रहा था, मतलब कि पता नहीं आया कि नहीं आया। हाँ हाँ तो गाइस मुझे एक यहाँ पे भी टायर की दुकान दिखी है, यहाँ पे पता करते हैं यहाँ पे क्या प्राइस पड़ेगा मैं टायर, जब निकलते बढ़ते जा ही रहे हैं। भैया जी इसका फ्रंट टायर मिल जाएगा? क्या प्राइस पड़ेगा बता दो। इसमें आपके पास कौन कौन से ब्रांड में है? सीएट और अपोलो डल्लब दिखाना एक मिनट। डल्लब क्या किस उसमें थ्रेड में? डल्लब बहुत बढ़िया टायर है। डल्लब भी बढ़िया है। ये सी एट है, ये क्या प्राइस है? 1600 रुपये का है ना? ये 1600 और ये 1600 का। और MRF में है क्या आपके पास? और अपोलो भी नहीं है, इसकी वारंटी है? अच्छा इसमें ये बताओ 90-90-17 डलता है, 100 नंबर डाल सकते हैं, थोड़ा चौड़ा डाल सकते हैं, डल जाएगा ना? वो दिखा दो, वो 100 नंबर कितने का पड़ेगा? 100 नंबर तो 90 नंबर है, 90-90-17 है, 100-90-17 डल जाएगा? नहीं चौड़ा हो जाएगा उतना, उसमें आगे नट होता है ना अंदर में। अच्छा अच्छा उसमें टकराएगा फिर अंदर से, ये दिक्कत है, मतलब पीछे डाल सकते चौड़ा आगे नहीं कर सकते। काफ़ी ट्रैफिक था रास्ते में, सब पार करते कराते यहाँ तक आ गया हूँ मैं, छतरपुर के आसपास। मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं धूप कहीं छाँव, बस बारिश ना मिले तो मज़ा आ जाए राइड करने का। क्या मस्त ऑल्ट्रोस जा रही है, देखो मॉडिफाई करी हुई है, पीछे की तरफ एक सिंगल एग्जॉस्ट निकाला हुआ है, बम्पर है ना शायद रीबिल्ड करा हुआ है इस गाड़ी का, स्पॉइलर के साथ में, और अलॉय व्हील देखो वाइट कलर के हैं, भाई ने बिल्कुल मस्त कर रखी है। ऐसे ही गाड़ियां दिखती रहती है, यूनिक लोगों को शौक है मॉडिफिकेशन का, ऐसी बात नहीं है। बाइक का एडवांटेज यही अच्छा लगता है मुझे कि भीड़ भाड़ में कहीं से भी कहीं निकल जाओ, कार वाले तो भैया बैठे बैठे रह जाएंगे फंसे हुए अगर जाम लग गया तो। रेड लाइट आ गई भाई, हो गई ग्रीन, चलो चले। कैमरा भी मैंने पोज दिया क्योंकि गाड़ी का हाल ही ऐसा धूल मिट्टी में हो जा रहा है, तो कैमरे का लेंस भी मैंने साफ़ कर दिया इसी वजह से कि कुछ भी गंदा ना दिखे वीडियो में। हाँ अब साफ लग रहा है लेंस। कॉर्नरिंग करने में मज़ा आएगा जब अगला टायर डल जाएगा मेरी बाइक में, अभी तो मेरे को थोड़ा कम एडवांटेज लगता है, मगर रबड़ जब गर्म हो जाती है ना टायर की तभी मैं कॉर्नरिंग करना शुरू करता हूँ। कभी भी है ना आप ठंडे टायर में कॉर्नरिंग मत करना, क्योंकि जब तक रबड़ गर्म नहीं हो जाती है, वार्म अप नहीं हो जाता टायर, तब तक का कॉर्नरिंग नहीं करना चाहिए बाइक में।
कॉर्नरिंग करने जाओगे पता चले उस टाइम ठंडा हुआ टायर तो दिक्कत हो जाएगी। और अपनी गाड़ी बहुत देर से चल रही है इसीलिए थोड़ा लेट आ सकते हैं हम। यहाँ पे भी जाम है, छतरपुर के पास आ ही गए अब हम। यहाँ पे भी अपोलो टायर है, यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। बाइक के टायर नहीं रखते, बाइक के टायर है। चलो यहाँ से भी पता कर लेते हैं, अपोलो का ही है यहाँ पर शायद। सर 90/90 का सेक्शन का टायर है पल्सर का, तो क्या प्राइस का पड़ेगा आपके पास? 90/90 17 हाँ फ्रंट है। हाँ फ्रंट टायर आगे का ना। हाँ हाँ अपोलो, हाँ हाँ यही मैं देख रहा हूँ। इसमें और पैटर्न मिल जाएंगे इसमें? हाँ इसमें और कोई पैटर्न मिल जाएंगे? इसमें क्या है? एक ही है। हाँ ये वाला पैटर्न सही लग रहा है, बहुत बेहतरीन टायर है। ये क्या प्राइस पड़ रहा है? ये पड़ेगा भैया 2150 का। अच्छा 2150 का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.